सर्वेश यादव। सर्वेश कहाँ से आए आप? आजमगढ़ से। पढ़ाई कितना किए? बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। क्या समस्या हो गई सरकार? समस्या यही है सरकार की, 2019 से पुलिस वैकेंसी नहीं आ रही है, रोड टेंडर पास हो रहा है, कैसी सरकार है कि टेंडर नहीं पास हो रहा है। चार साल की नौकरी नहीं करने जा रहा है कोई, 4 साल की अगर कोई नौकरी करेगा उसमें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कौन माई बाप भेजेगा बताइए। 23 साल में और कुछ कर पाते थे? 23 साल में देखिए, अगर सरकार अपना रोजगार निकालेगी ना तो बच्चे बहुत कुछ करेंगे, मगर सरकार यही चंद्रयान मिशन पहुंचा है ना, भारत के वैज्ञानिक पहुंचाए हैं, मगर मोदी का हर चौराहे चट्टी पे देखेंगे तो मोदी और योगी का पोस्टर लगा है, ना कि वैज्ञानिक का उस पोस्टर लगा है। उस वैज्ञानिक का पोस्टर लगना चाहिए ताकि उसका मनोबल बढ़े, ताकि उस वैज्ञानिक का मनोबल बढ़े कि हम अपने देश के लिए और कुछ करें। क्यों वैज्ञानिक विदेश के लिए काम करते हैं? यही काम है कि नेता और दूसरे नेता लोग चलाएंगे, मोदी योगी अपना पोस्टर लगवाएंगे और जो है यही काम करते हैं कि वैज्ञानिक का पोस्टर लगाए होते चट्टी चौराहे पर तो उसका मनोबल बढ़ा होता, वो देश के लिए काम करता ना कि विदेश में जाकर काम करता। अब्दुल कलाम आजाद कभी ग्रेजुएशन उठवा नहीं किए, पीएचडी नहीं किए हैं, मगर कोई माइका लाल उनसे पीएचडी डॉक्टर की उपाधि उनको लगी है, कोई माइका लाल नहीं पूछ सकता है कि पीएचडी किए हैं कि नहीं किए हैं, कोई माइका लाल नहीं पूछ सकता, वो भारत के लिए काम किए हैं। आपकी सरकार थी तो क्या कर रहे थे? देखिए सरकार किसी की नहीं, हम युवा हैं, हमारी भी सरकार नहीं है, ना समाजवादी सरकार है ना भाजपा सरकार है, हम सबसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है कि पुलिस भर्ती आएगी, हम लोग देखेंगे, मगर कब देखेंगे? जब लोग उम्र खत्म हो जाएगी तब देखेंगे। 4 साल की वैकेंसी, आप बताइए क्या सरकार से उम्मीद लगाएंगे हम लोग? अरे अग्निवीर में चले जाइए। कैसे जाएंगे भैया? देश का सेवा करने के लिए चाहे 4 साल करिए चाहे 40 साल करिए। देश की सेवा की बात कर रहे हैं ना, कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद का नेता बेटा आर्मी में है बताइए? कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा सांसद का बेटा आर्मी में है? आप देश की बात कर रहे हैं, देश की बात करिए तो हर राज्य हर स्तर पे बात करिए। मोदी देश के किसान का बेटा तो आर्मी में है, देश के किसान का बेटा तो सरहद पर है। अगर आप भी किसान के बेटे हैं तो फक्र होनी चाहिए कि आप देश की सेवा करने जा रहे हैं। आज ही अखिलेश यादव बोले हैं ना, कोई मंत्री जा रहा है खेत में और किसान का हाथ पकड़ के उनको कुछ बताने का कोशिश कर रहा है, इसके पहले कहे नहीं मंत्री आया था। घोषी उपचुनाव नहीं होता तो कोई मंत्री नहीं आता, कोई नेता नहीं आता। जब भी चुनाव होता है तो हर मंत्री हर ताता लग जाता है, क्यों लगता है बताइए? आगे क्या चुनाव होता है, मेरी यही समस्या है कि सरकार से जल्द पुलिस भर्ती आए और ये 4 साल की वैकेंसी खत्म हो, तभी युवा हर युवा को रोजगार मिले। बहुत सारे रास्ते हैं, मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, भैया आत्मनिर्भर बनो। ये बताइए किसी गरीब, एक मिनट, किसी गरीब का घर का बच्चा है, ठीक है, आप बना रहे हैं PGI बना रहे हैं, हर सुविधा दे रहे हैं ना सरकार को, कौन सा गरीब का बच्चे के लिए सुविधा आप दे रहे हैं बताइए हमको, कौन सा किस गरीब का घर का जो सरकारी सुविधाएं आती है उसमें बता दिया जाता है कि गरीबों को नहीं मिलेंगे, हिंदू को नहीं मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, कैसी बात कर रहे हैं? ये बताइए आप, यहाँ के नेता ही खा जाते हैं, यहाँ के नेता ही खा जाते हैं। क्यों खाने देते हो, क्यों सवाल नहीं करते हो? जब मतदान देकर आते हो तो सवाल क्यों नहीं पूछते हो कि काम क्यों नहीं करते? आप सवाल की बात करते हैं ना, रमाकांत यादव को आप जानते हैं, उनके आजमगढ़ में गरीबों के मसीहा थे, उन्होंने हर लोगों की आवाज उठाई, मगर उनको आज क्या मिला है? जेल मिली है, जेल। अगर हम बोलेंगे ना कल हमारे खिलाफ भी योगी सरकार अगर मुकदमा कर दे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सरकार देती है, न्यायपालिका देती है, चाहे सरकार देती है, न्यायपालिका देती है, न्यायपालिका भी उसकी है, सरकार भी उसकी है, जिसकी सरकार उसकी न्यायपालिका, इस टाइम डबल इंजन की सरकार है, मगर कोई काम अगर आप बता दें कि 5 साल के अंदर 10 साल योगी सरकार को कुछ दिन में 10 साल हो जाएंगे, मगर 10 साल के अंदर में कोई काम गिना दे युवाओं के लिए तो मैं जो कहेगी वो करने के लिए तैयार हूं। सड़कों का जाल बिछ रहा है, सड़कों का जाल नहीं, सड़कों आप क्या बताएं आपको, बताइए, सरकार कह रही है सड़कों का जाल बिछ रहा है, हमको सड़कों की जाल से क्या लेना है भैया? हम युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको सड़कों का जाल क्या? सुना है पेट पालने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, और देश के विकास के लिए सड़क पानी और ये तमाम व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, बिजली ये होनी चाहिए, तो अगर सड़क नहीं रहेगी तो आपके व्यवसायिक गलियारे कैसे बनेंगे, आपका आपके गाँव का विकास कैसे होगा? सुनिए आप, इतना बात हो गई ना, कभी कुछ किसी सरकार ने शिक्षा पे बात नहीं किया, कोई भी भाषण देने आएगा कभी शिक्षा पे बात नहीं करता है, इसी भारत यही भारत है, यहाँ 18% पढ़ने के लिए GST भरना पड़ता है, 18% बच्चों को GST भरना पड़ता है, यही भारत है। इंग्लैंड में जाइए शिक्षा फ्री है, आप किस देश में रहते हैं बताइए? संविधान को खत्म किया जा रहा है, आपको कोई आवाज नहीं उठा रहा है, जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। अगर संविधान को खत्म किया जाता, मुकदमा यूं दर्ज होता तो आपको यूं ही पुलिस उठा ले जाती है? अरे उठा ले जाएगी, अभी क्या पता है, अभी उठा ले जाएगी, अभी तो नहीं ले गई आप, और ले जाएगी
इसका क्या सुनिए, हाँ हमको डर है कि ले जाएगी। जानते हैं मतदान देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। हाँ देते हैं। तो फिर कर रास्ताही थोड़ी आ गई, कैसे तुमको उठा ले जाएंगे? अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, आप आपसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा ना, कि भाजपा के नेता से भी पूछ लीजिएगा, अगर सपा सरकार आई होगी भाई, कोई भी सरकार आई होगी, मगर इतना गलत काम कभी नहीं किया जितनी गलत काम ये सरकार कर रही है। किसकी सरकार चाहते हैं फिर आप? हम चाहते हैं जो रोजगार दे, जो बच्चों का भविष्य उज्जवल करे, जो पढ़ाई के बारे में बात करे, मैं उसकी सरकार चाहता हूँ। किसका विजन है ऐसा? विजन अखिलेश यादव में दिखता है मुझे, अखिलेश यादव में। अखिलेश यादव की विचारधारा सबसे अलग है, हर नेताओं से अलग है। वो लोग कहते हैं कि विदेश में पढ़े हैं, मगर विदेश की शिक्षा नीति भारत में लाना चाहते हैं। और हर यहाँ GST जो भर रहे हैं बच्चे ना, वो कल आएंगे यूपी में तो GST भरना नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ से कई सीटें निकाले हैं और हम हर ग्राउंड जीरो पर दिखाते हैं, विकास जाकर आप भी देखिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। देखे नहीं कभी? नहीं देखे? देखे हैं। अपनी अपनी जहां बात आती है वहां आप लोग देखने नहीं जाते? देखते हैं भैया के। अच्छा ही बताइए, सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा में चले जाइए, आप ही के विधायक है समाजवादी के, विकास जाकर देख लीजिए। मैंने कई ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई। मेरी बात आप, हम ही गाँव के प्रधान रहेंगे ना, हम ही गाँव के प्रधान रहेंगे ना, तो मुझे अगर पक्ष में अगर काम करने नहीं देंगे ना, तो मेरा काम भी पास नहीं होगा, नहीं होगा। वही है सरकार कर रही है, आप विधायक हैं, मगर आप विधायक के घुमा फिरा के सरकार पर ही सारा ठीकरा फोड़ना, हमको काम कुछ नहीं करना। बस मुझे मुझे सरकार से यही उम्मीद है। क्यों, क्या क्या सही कह रहे हैं? मुझे सरकार से यही उम्मीद है। सुनिए मुझे सरकार से थी, सरकार मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं विकास पे भी बात करूंगा, कार्य पे भी बात करूंगा। आप आजमगढ़ का जिक्र किए हैं कि वहाँ से 10 विधायक हैं, तो आजमगढ़ में भाजपा का एक वो कहना तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, वहाँ से सांसद का चुनाव जीते हैं और बहुत लंबी लंबी बात कर रहे थे कि विकास कर दूंगा, एम्स लाकर आजमगढ़ खोल दूंगा। भाजपा वालों से साथी आप नहीं पूछते हैं, पहली बात। यह सरकार की एक योजना चली है कि जो सरकार जो सत्ता में विधायक रहेगा उसको हर साल 5 करोड़ अलग से दिया जाएगा। एक मिनट, वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए, मैं थोड़ा सा बीच में लोगों को रोकने की कोशिश करूंगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो चौपर है, यहाँ से हवाई उड़ान भरता हुआ। आप बीच में वो तस्वीरें मैं आपको रोक कर दिखा रहा हूँ, आप देखें कि यहाँ से जनसभा को संबोधित करने के बाद अब अखिलेश यादव यहाँ से निकल चुके हैं, और इसके बाद यहाँ की जनता का मन मैं टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में वो तस्वीरें मुझे दिखानी पड़ी। जी बताएं। तो जो इस समय सरकार चल रही है बीजेपी की, बीजेपी की सरकार की एक स्कीम आई है और उसको पत्रकार बंधु आप भली बात जानते होंगे, जो सत्ता का विधायक है उसको हर साल 5 करोड़ अलग से दिया जाएगा और जो विपक्ष का विधायक है उसको 5 करोड़ नहीं दिया जाएगा। तो यह बताइए, सत्ता पक्ष के विधायक का और विपक्ष के विधायक का कैसे विकास की बात बराबर आप कर सकते हैं? यह बात बराबर आप नहीं कर सकते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी बिजली पे कार्य किए थे, सड़क की जो बात की है मेरे छोटे भाई से, मैं सड़क पे भी आ जा रहा हूँ। अगर आज तक जो बिजली का प्लांट यहाँ लगा है आदरणीय स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी के हाथों द्वारा लगा गया है, और उस प्लांट को अगर आगे बढ़ाने वाला इस प्रदेश का कोई महबूब नेता, युवाओं का महबूब नेता किसी ने आगे बढ़ाया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया। भाजपा के लोग बता दें कि प्रदेश में कितने विद्युत उपकेंद्र चाहे विद्युत पैदा करने वाली, इस हिसाब से तो विकास का जिस तरीके से आप जखीरा गिना रहे हैं तो सरकार ही नहीं जानी चाहिए थी। मैं 22 में सरकार जनता क्यों नकार दे? सर 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 मैं बता रहा हूँ, सरकार हमारी गई नहीं है, सरकार गई नहीं है, लेकिन इसको बहुत चालाकी से जैसे अभी एक हमारे महोदय थे, ये 22 के चुनाव में गठबंधन किए थे, 17 सीट उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको दिया, लेकिन 17 सीट पे वो बता दें अपने और अपने बेटों को लड़ाने के बाद एक भी राजभर को लड़ाए, एक स्वर में 25 जातियों का नाम लेते हैं, कोयरी को लड़ाए, मल्ला को लड़ाए, बता दीजिए किसी चौहान को लड़ाए, नहीं लड़ाए बस। और एक आए हैं कह रहे हैं कि भगवान राम को हमने खेकर पार कर दिया और अब बीजेपी की नैया को पार कर दें। अभी हमारे इसी विधानसभा में घोसी के एक चेयरमैन आए हैं बेचारे, वो निषाद जात से हैं, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे उनके विरोध में यही गए थे, उनकी नैया को क्यों बोलना चाह रहे थे? मैं निषाद भाइयों से कह रहा हूँ कि ऐसा धोखा देने वाले नेता से सतर्क हो जाओ, जो अपने भाई को हराने के लिए जाकर के टाउन एरिया में प्रचार करता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं नेताजी, कह रहे हैं जो अपने विधायक को नहीं संभाल पाया वो कैसे देश को संभालेगा, कैसे प्रदेश को संभालेगा? जी जी आपकी बात सही है, ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं, करोड़ों रुपए का घाटा हो जाता है। मेरी बात सुनिए, यह तो सही है,
गलती हो गई थी, मानते हैं ना विधायक को नहीं संभाल पाए? सुनिए, नहीं, नहीं मानते हैं विधायक को नहीं संभाल पाए? मेरी बात नहीं मानेंगे, नहीं सर, विधायक नहीं संभाल पाए। पत्रकार बंधु मेरी बात को सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इनको डर था, ओम प्रकाश जी को डर था, ईडी लगा देंगे, सीडी लगा देंगे, जेल में चला जाएंगे, इसलिए यह बेईमानी करके पैसा बेईमानी करके रखा है, और इसको डर थी कि अगर कहीं मैं भाजपा में नहीं गया। कैसे बेईमानियों को अखिलेश जी टिकट कैसे दे देते हैं? अरे तब तो बात करते थे 85 की ना, वो कहते थे कि 85 को मंच पे बैठने नहीं दिया जाता है। उस बेईमान से पूछिए कि आज 85 को कैसे मंच पे भाजपा वाले बैठे। आज जो चला गया तो बेईमान हो गया? नहीं, बेईमान था, बेईमान है, बेईमान रहेगा। बेईमानों को समाजवादी पोषित क्यों करती है? पोषित नहीं करती है, 85 की टिकट देती है। मैं 85 की बात करता हूँ, अल्पसंख्यकों की बात करता हूँ। यह जो मेरे नहीं करेंगे, किसकी बात? विधायक की। विधायक चोर है, ये घोसी की जनता कह रही है कि विधायक चोर है। विधायक चोर था? चोर है या चोर है? विधायक चोर था, चोर था। बात कर दिया है तो अंदर की बात बता दिया। सर सर मैं आपके चैनल से मैं अपने घोसी की जनता के तरफ से और आपके सहयोग से या बीजेपी वालों को बताना चाह रहा हूँ कि जो रात रात में गांव में घूम रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसा भी जाएगा, और जो खेत में उतर रहे हैं वो जूता साफ करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो जूता साफ करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह आए थे, आज तक किसी खेत में नहीं गए हैं। लेकिन यह घोसी की जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि घोसी की जनता ने आज उत्तर प्रदेश के 40 मंत्रियों को ला करके खेत में उतार दिया है, और यह घोसी की जनता उतारने के बाद बताने जा रही है कि योगी जी, मोदी जी और स्वतंत्र देव जी आपको चुनाव 1.5 लाख वोटों से हराएगी यह घोसी की जनता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव, पिछड़ा प्रकोष्ठ मऊ का। राजभर जी कहते हैं अहिरवन के बुद्धि। हाँ भैया, ये बताइए कितना सच्चाई है, जरा हम भी जानना चाह रहे हैं। कितने यादव लोग हैं इसमें भैया, जरा हाथ उठा दीजिए, यादव लोग कितने लोग हैं जरा एक बार बता दीजिए। अब ये बताइए राजभर साहब, बुद्धि कहाँ है आपकी? यादव जी बुद्धि कहाँ है? मस्तिष्क में। कै बजे खुलती है? एकदम 24 घंटा। कै बजे? यादव जी और यादव जी कहाँ थे, इधर हाथ उठाए थे? पहले तो ओम प्रकाश राजभर के ही ना मालूम बा कि बुद्धि कहाँ रहे ले। पहले तो उनके फेल करता, और ओम प्रकाश राजभर ऐसा के उदल बदलू बा, जहाँ मलाई मिली वहाँ चल दी। हाँ, वो तो हर समय कहना कि उनका तो बुद्धि खुद फ्री हो गई ला, उनके पते ना कि असल बाप का बेटा के है। हाँ, उनके तो यहाँ दुविधा बा। यार अंदर की बात बताई, अंदर की बात नहीं, बार बार मंच से देते हैं, जहाँ लाखों की जनसंख्या रहती है, 85,000 की भीड़ रहती है, वहाँ से वो ये चैलेंज करते हैं कि मैं असल बाप का बेटा को उनको सैफ ही पहुँचा दूँ। इसके पहले योगी बाबा को भेज रहे थे, यशस्वी प्रधानमंत्री को भेज रहे थे, भले हम किसी पार्टी के हैं। आज भी अगर कोई विधायक यहाँ हो जाएगा तो हम कहेंगे अगर हमारा विधायक है, पूछेंगे यहाँ का विधायक कौन है, हम उसी को बताएंगे। यही ये बता दीजिए, बुद्धिया कै बजे खुलती है? बुद्धिया ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात करा था, पता चल जाएगा। तो 12 बजे के बाद बताए थे? हाँ, वो तो 12 बजे के बाद बताए थे। 12 बजे की बात नहीं, अभी छोटा सा लड़का बता रहा है, 12 साल का नवरत्न यादव इसी घोसी विधानसभा में घूम रहा है और बता रहा है कि हमारी बुद्धि कब से कब तक खुल रही है। आप बार बार उनसे पत्रकार बंधु डिबेट कर रहे हैं, वो जरूर पत्रकार बंधु आप वो हमारे 85 के नेता हैं, उन पे मैं कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वही मंच से कहते हैं कि यादवों की 12 बजे बुद्धि खुलती है, और वही मंच से कहते हैं कि राजभरों का हक यादव ले लिए। तो पत्रकार बंधु उनसे पूछिए, जब 12 बजे यादवों की बुद्धि खुलती है तो राजभरों का हक यादव कैसे ले लिया? इसलिए वो पगला गए हैं। हमारे नेता हैं काजल निषाद, बड़े तर्कपूर्ण वाली बात कर दी। काजल निषाद जी हमारी नेत्री हैं, जो बहुत कम चुनाव हारी तो नहीं थी, सत्ता के दुरुपयोग से चुनाव हारा दिया गया गोरखपुर मेयर का। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि संजय निषाद जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इन लोग को कोई गलत इंजेक्शन डॉक्टर लगा दिया, जो पढ़ा लिखा नहीं था, इनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और आपके चैनल से मैं निवेदन कर रहा हूं सर, अगर कोई MBBS डॉक्टर कोई बढ़िया होगा तो घोसी की जनता चंदा लगा करके और इन दोनों लोग के दिमाग का दवाई कराएगी। जरा जरा वही जनता ये भी जानना चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कौन सा डॉक्टर इंजेक्शन लगा दिया था, जो बार बार बेतुका बयान करते हैं। सर 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 सर
मैं बता रहा हूँ इस धरती पे जन्म देने वाला मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा पहला भगवान वो हुए, गॉड ऑफ फादर मेरे हो गए। लेकिन संविधान या देश किसी राजा का संविधान दिया हुआ से नहीं चल रहा है, या मेरे देश को संविधान दिया मेरे बाप और माता के बाद अगर कोई मेरा भगवान है। नहीं, संविधान का हम भी सम्मान करते हैं, आप भी करते हैं, बात कुछ और है। नहीं सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं मेरे माँ और बाप के बाद मेरा अगर दूसरा भगवान कोई है इस धरती पे किसी को मानता हूँ तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर को मानता हूँ, और पूरे भारत के जितने अल्पसंख्यक हैं, चाहे भारत के निवासी हैं, सभी लोग मेरे भाई बहन माता। नहीं, नहीं, आप मानिए, आप भगवान मानिए, किसी को आपत्ति नहीं है, वो भी हमारे सम्मानित हैं, सबके सम्मानित हैं, सब उनको मानते हैं, उन्होंने वो काम किया है देश के लिए जो शायद कोई कई जन्मों में नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी की दूसरी की भावनाओं को आहत करने का हक कौन देता है? नहीं नहीं, अच्छा, किसी के दूसरे के भावनाओं को हक कौन देता है हाथ करने के लिए? लेकिन उस आदमी को कौन हक दे देता है कि वह 85 के और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को हाथ करता है? यह बताइए, मेरे देश में पढ़ाई की बात होनी चाहिए, मेरे देश में स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, सुरक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। अभी आप मेरे एक भाई से पूछ रहे थे कि अपना रोजगार खोलो। अच्छा, जो बीएड कर लिया है साथी, बीएड कर लिया है, जिसका बाप हार तोड़ मेहनत करके ठेला खींच करके खेत में मट्टी बिक करके 24 घंटा पावर लूम पर जग करके, और वो इस हाथ से अपने बच्चे को BDC कराया, BEd करवाया, PhD करवाया कि मेरा बच्चा कमाएगा। सर, आपके चैनल से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा बाप तो किस तरह रात दिन जग करके पढ़ाया है, क्या मैं भी BEd करके और PhD करके पकौड़ा तलूँ? अगर इस कोपागंज में जितने BTC और BEd वाले हैं, मेरे साथ में यही BTC किए थे हम लोग, मैं खुद का काला या मऊ से डैड का मैं प्रशिक्षु रहा हूँ BTC का, मेरा यही कई साथी मेरे साथ BTC किए हैं। यह बताइए कि अगर पूरे BTC और BEd के लोग जुट कर पकौड़ा तलने लगे तो खरीदेगा कौन? सरकार तो बात कर रही है, नरेगा के मजदूरों को बुला करके नियुक्ति पत्र दे रही है। हम लोग अंधे हैं? हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? समझा रही है, अभी 51,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं, नरेगा के मजदूरों को बुलाकर नियुक्ति पत्र देते हैं। अब ये बताइए, घोसी में चुनाव में अंतर कितने वोटों का रहने वाला? सर, मेरे समझ से तो 1,00,000 से ऊपर से यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। चलिए,